हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद मी विनीत कांकरिया। गाइस, जैसे मैंने कहा, आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा ऑन परसेंटेजेस। तो अभी हमने एक सीरीज शुरू की है जहां पे आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन वेरियस टॉपिक्स जो कि ओमेट यानी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सीईटी, सीमैट, मैट, एटमा, एनमैट, इन सारे एंट्रेंस वराइटीज के क्वेश्चंस। यस, अप टू द मार्क। हाँ, आप बात करो कैट जैट, उनकी तो अपनी सेपरेट कोर्स, सेपरेट सीरीज चली रही है गाइस। अर्जुना बैच उसके लिए हमारा चल रहा है, अर्जुना सीरीज। अब तक आपने वो देखा नहीं है, स्क्रैच से एडवांस तक हम जाने वाले हैं, तो वो देखना भी शुरू रखो। बट अगेन, कैट, आईपी मैट, ये सारे क्वेश्चन अभी आप जो देखने वाले हो उनके लिए एक फाउंडेशन है, उन सारे एग्जाम्स के लिए। एक्चुअल वराइटी नहीं है, बट अगर आप कुछ ऐसी एंट्रेंस की बात करो जैसे सीईटी, सीमैट, एनमैट, तो उनके लिए एग्जैक्ट एग्जाम वराइटी गाइस। तो हम भी हमने परसेंटेज को हाल ही में देखा, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज हम देखने वाले, नेक्स्ट टॉपिक गाइज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो बिल्कुल जुड़ जाओ गाइज। उसके पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, बता दूं, मेरा नाम विनीत कांकरिया, मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट में हुआ है, और 10 साल से भी ज़्यादा हो गए गाइज जहाँ मैं इन सारी मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, फिर वो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एमबीए, बीबीए, होटल मैनेजमेंट एंड सो। ठीक है, सो कैट, आईपी मैट, ये सब चीज़ों के अगर आप एस्पेरेंट्स हो इन सारे एंट्रेंस के, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ, बस ताली दोनों हाथ से बजेगी, तो आपने उतना कंसिस्टेंसी मुझे दिखाना है, रिजल्ट मैं दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक इन इंटीग्रेशन विद अनअकैडमी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑन प्रायोरिटी पहले वीडियो को पॉज करो और उसको ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे सारे यूट्यूब स्पेशल क्लास, प्लस क्लास और जितने भी मेरी इवेंट एक्टिविटीज रहेगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आपको सबका अपडेट वहाँ मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस। यस, आप अपने डाउट भी वहाँ पोस्ट कर सकते हो, इस चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ फिर एक पब्लिक चैट ग्रुप है हमारा, वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप उसके थ्रू वहां पे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो ऑन प्रायोरिटी ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और शुरू करते हैं दोस्तों अपना सिलसिला बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप अपने आप को रेशियो प्रोपोर्शन में एक अच्छे लेवल तक लेकर आ चुके होंगे, तो वीडियो को आप एक एक क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो और बाद में कंपेयर करो। और अगर आपको बेसिक से सीखना है, तो मेरे आपको सारे वीडियोज रेशियो प्रोपोर्शन फ्रॉम बेसिक विद ऑल कंसेप्ट, ऑल ट्रिक्स, इसी चैनल के एक प्लेलिस्ट, अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वो भी देख लो गाइस। और ये क्वेश्चन फिर आपको समझने में और आसानी होगी। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो ₹336 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, सो टोटल अमाउंट 336 है जो हमें ए एंड बी में बांटना है, सो दैट ए गेट्स 5/16 ऑफ व्हाट बी गेट्स। मतलब ए को कितना मिल रहा है, 5/16 ऑफ व्हाट बी गेट्स, 5/16 जो भी बी को मिल रहा है ना, उसका 5/16 टाइम। सो ए गेट्स 5/16 ऑफ व्हाट बी गेट्स, इसका मतलब मुझे ए और बी का रेशियो क्या मिला, 5/16। सिंपल है ना, ये बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर दिया तो खत्म। इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट है 336, ये ए और बी में किस रेशियो में बट रहा है, ये ए और बी में बट रहा है 5:16, खत्म। और किसी भी रेशियो को एक्चुअल अमाउंट पे कैसे अप्लाई करना है आपको पता है। तो क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट अमाउंट डज ए गेट, ए को कितना मिलेगा। सो ए को मिल रहा है 5 हिस्सा आउट ऑफ 21, सो टोटल 21 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स ए ले रहा है, सो 336 में से कितना, है ना, ऐसे निकालते हो आप। सो ए का कंट्रीब्यूशन है 5 आउट ऑफ 21 इनटू अमाउंट जो बांटनी है, सो 21 ones are 21 6 are, ठीक है, सो 16 into 5 80 rupees। तो भाई साहब 336 का 80 rupees ए लेगा, बाकी सब बी के हवाले। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था, जिनका 80 पहले ही आ गया होगा मेरे बताने से, ब्राव, वेरी गुड, सुपर्ब। और जिनका नहीं आया होगा, चीजों को वापिस समझो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो गाइस, द मंथली इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 3:4:5। सो भाई साहब एबीसी है जिनकी मंथली इनकम ये दे चुके हैं आपको, तो इससे मैं ए की इनकम 3x, बी की इनकम 4x और सी की इनकम 5x ले लेता हूँ। सो एबीसी की मंथली इनकम दी है, देयर सेविंग आर इन द रेशियो, सेविंग का भी रेशियो दे दिया है, सो इनकम का रेशो दे दिया, सेविंग का रेशो दे दिया। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि इफ द सेविंग ऑफ ए एंड ए आर 600 पर मंथ। देखो पहली बात तो पूरा डेटा मंथ के हिसाब से ही चल रहा है, सो वो टेंशन मत लेना सर, एक जगह ईयर एक जगह मंथ है। ये इनकम भी आपको क्या दी थी, मंथली एबीसी, तो उसके हिसाब से सेविंग भी मंथली आई। और अब आपको क्वेश्चन ने सेविंग ऑफ ए का एक्चुअल फिगर दिया है पर मंथ का, द सेविंग ऑफ ए ₹600 पर मंथ, ये भी मंथ का ही है। मतलब डेटा का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है, मंथ मंथ मंथ। तो इनकम पर मंथ, उसके हिसाब से अपनी इनकम एज्यूम कर ली।
सेविंग भी आपको दे दिया है, और एक ही एक्चुअल सेविंग दी है 600 रुपीज पर मंथ, इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ हिज इनकम। और क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया कि पता है ये 600 मतलब क्या है ए के लिए, ये 600 मतलब ए के लिए सिर्फ 10% के बराबर है, उसकी जो अर्निंग है उसकी जो इनकम है उसका 10% है 600। तो गाइज अगर आपको सेविंग ऑफ ए 600 रुपया बोला है, जो कि सेविंग ऑफ ए इज 600, जो क्वेश्चन बोल रहा है ये तो सिर्फ 10% के बराबर है, तो मैं उसकी इनकम निकाल सकता हूँ। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना आ जाएगा, इनकम ऑफ ए आ जाएगा अगर ये 10% है तो 100% कितना, 6000। सिंपल 100%, देखो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी एक जीरो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, तो उससे आपको ये लाइन जो उसने दे दी है ना, इफ सेविंग ऑफ ए इज 600 पर मंथ विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ हिज इनकम, इस लाइन से क्वेश्चन ने आपको उसकी सेविंग भी डायरेक्टली दे दी और इनकम भी इनडायरेक्टली दे दी थी जो आपने डायरेक्टली निकाल ली 6000। नाउ हाउ मच डज सी स्पेंड, सी का क्या पूछा है आपको, एक्सपेंडिचर, स्पेंड यानी खर्चा। और गाइज अगर आपको क्वेश्चन ने इनकम दी है सेविंग दिया है तो एक्सपेंसेस मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है जो भी इनकम होती है उसमें से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तब जाके आपको सेविंग मिलती है ना, तो अगर आपको सेविंग निकालना है, सॉरी एक्सपेंसेस निकालना है ना, सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इधर ले लो, सेविंग को इधर ले लो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर, है ना, ये जो एक्सपेंडिचर है माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया और सेविंग इधर आके माइनस हो गया, सो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर। तो बस आपको सी का क्या निकालना है, सी का आपको निकालना है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फाइनली हाउ मच डज सी स्पेंड, यानी आपको सी का एक्सपेंडिचर निकालना है, उसके लिए आपको सी का इनकम पता चाहिए, उसके लिए आपको सी का सेविंग पता चाहिए जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डेटा उतना आराम से क्वेश्चन ने दिया है, इनकम का दिया है सेविंग का दिया है, तो आप सी का क्या निकाल सकते हो, एक्सपेंडिचर। गाइज मुझे बताना, आपने इनकम ऑफ ए तो निकाल लिया है 6000, लेकिन आपने इनकम ऑफ ए ये कौन सा रेशियो दिया था क्वेश्चन ने, इनकम का ही दिया था ना, मंथली इनकम ऑफ एबीसी 3:4:5 जो आपने ये मान ली थी, तो आपके हिसाब से ए का इनकम कितना है, 6000 बराबर, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया ना ए का इनकम 6000, बट आपके हिसाब से वो कितना है, 3x, आपने तो 3x माना, तो इससे आपको एक्स मिल गया 2000। तो गाइज अगर आपको ए का इनकम 6000 दिया था उससे आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वही एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या सी का इनकम मिल जाएगा, यस सी का इनकम मिल गया 10000, सी का इनकम मिल गया 10000। उसी के साथ आपको सेविंग दिया है, सेविंग ऑफ ए इज 600, ठीक है, उसके पहले सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो क्या दिया है आपको एबीसी का, सेविंग ए इज टू बी इज टू सी दिया है 1:2:3। तो मुझे बताओ ए और सी का रेशियो क्या है, 1:3, सेविंग की अगर मैं बात करूं 1:3, और ए का सेविंग तो मुझे पता है ना 600, तो क्या मैं सी की सेविंग निकाल सकता हूँ, यस सी की सेविंग आ गई 1800। तो दोस्तों सी कमाता है 10000, बचाता है 1800, मतलब बाकी कहाँ गया, खर्चा, कमाता है 10000, बचाता है 1800, बाकी क्या हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट, एक्सपेंडिचर, इनकम 10000, देखो ये फॉर्मूला, माइनस सेविंग 1800 इज वॉट एक्सपेंडिचर 8200, जिधर भी 8200 है उस पर टिक पोका जाए, सुन लो प्लीज, 8200 पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी दिख रहा है आपको, नहीं है, सो नहीं है मतलब नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज को टिक करते समय रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं करना है, आप गलत नहीं हो दोस्तों, आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, तो एक सेकंड भी सोचना नहीं उस पर टिक करते समय, बिल्कुल वो वैलिड आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है, जितना हक ए को बी को सी और डी को भी है आंसर बनने का, उतना ही हक इस ई को भी है। तो यस एक बार अगर चाहे तो मैं वापस बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन बेहतरीन था, ध्यान देना। यस तो देखो एबीसी की आपको इनकम का रेशियो मान दे दिया था, तो आपने इनकम का रेशियो 3x अप्लाई किया और उसको एक कांस्टेंट फॉर्म में एज्यूम किया 5x, फिर क्वेश्चन ने आपको दे दिया था, हालांकि बी मतलब बस ऐसी फॉर्मेलिटी, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ए और बाद में सी के इर्द गिर्द घूम रहा है, फिर बाद में सेविंग का रेशियो दे दिया था आपको, तो सेविंग का रेशियो हो गया था ए बी सी का 1:2:3, फिर सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए आपको एक्चुअल में दे दिया था ए की सेविंग 600, जो कि 10% के बराबर है, तो बच्चा भी बता देगा यार इनकम हमेशा क्या होती है, 100%, 100% में से खर्चा जाता है तब सेविंग बचती है, तो सेविंग अगर 10% है तो उसका इनकम कितना होगा, 100%, यानी 6000, ये क्या हो गया, ये हो गया इनकम ऑफ ए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने इनकम ऑफ ए कितना लिया था, 3x, तो 3x अगर 6000 है
तो एक्स कितना 2000, अगर एक्स 2000 मिला है तो क्या मैं सी की इनकम निकाल सकता हूँ? सी की इनकम होगी 5 × 2 = 10,000। यार सी कमाता तो 10,000, इतना समझ गया ना। सेविंग देखो, ए और सी के सेविंग का रेशियो, बी अगेन क्या है, मैंने कहा ना फॉर्मेलिटी, ए और सी के सेविंग का रेशियो क्या है, 1:3, जिसमें ए का सेविंग है 600, तो सी का सेविंग हमें नहीं पता, सी का सेविंग आ गया 1800। इसका मतलब सी कमाता है 10,000, सी खर्च करता है कितना पूछा है आपको, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तब जाके वो बचाता है 1800। कमाता है 10,000, स्पेंड कितना करता है पता नहीं, वही पूछा है, बट 1800 बचती है। तो यार अगर ये 10,000 है माइनस एक्सपेंडिचर इज 1800, तो क्या हुआ, ये माइनस इधर आया, प्लस हो गया 1800, उधर जाके माइनस हुआ 8200, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉट ऑफ दिस। क्लियर गाइस? बहुत इजी था, सिंपल था, आसान था। कम ऑन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल पॉज करके ट्राई करना है, नहीं आने पे देखना है। बढ़िया क्वेश्चन। ₹2,400 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द प्रोपोर्शन 3:4:5। तो यार 2400 हमें इस रेशियो में बांटना है पहले, तो ठीक है। सो टोटल अमाउंट 2400 जो हमें ए बी और सी में देना है 2:3:4:5, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इज इंक्रीज बाय ₹100 एट द कॉस्ट ऑफ सी, इसका मतलब समझो। मैक्सिमम स्टूडेंट को बस ये लाइन नहीं समझती, उस वजह से इतना इजी क्वेश्चन हाथ से चला जाता है। शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय ₹100 एट द कॉस्ट ऑफ सी, मतलब सी के कॉम्प्रोमाइज करने पर, यानी ये 100 कहाँ से आ रहा है? टोटल अमाउंट तो कितना है 2400 है, जो ऑलरेडी हम 3:4:5 में बांट चुके, मतलब कितना बांट चुके देखो, ए को कितना मिलेगा टोटल हिस्से, अगर मैं देखूं 5 और 9 12, 3 4 5, मतलब अगर 12 पार्ट में कर रहा हूँ इस पूरे 2400 के, तो उसमें से 3 हिस्से ए लेगा, 4 हिस्से बी और 5 हिस्से सी। तो ए को कितना मिलेगा, ये तो आप निकाल सकते हो ना, 3/12 × 2400, तो ए को मिल गया 600, ठीक है। ये मिल गया ए का शेयर। बी को कितना मिलेगा अगेन सेम, बस यहाँ पे 4, 3 के जगह 4 आ जाएगा, बाकी अपॉन 12 तो फिक्स ही रहेगा, इंटू 2400 फिक्स ही रहेगा, यानी ये 200 फिक्स ही रहेगा। सो 4 × 200 800, और सी को कितना मिलेगा बचा हुआ 5 × 200 1000। चलो हिसाब कर लो, क्या 1000 + 800 + 600 2400 आता है? यस आता है। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट 2400 ही था, उसमें से ए ने 600 लिया है, बी ने 800 लिया है और सी ने 1000 लिया है। ए बी सी ने अपना अपना हिस्सा इतना ले लिया, अगर टोटल कर लो तो 2400 हो चुका है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इंक्रीज बाय ₹100, ऑलरेडी शेयर ऑफ ए क्या है 600, वो हम 100 से बढ़ा रहे हैं, मतलब वो 700 हो गया, लेकिन ये 100 आया कहाँ से एक्स्ट्रा, थे तो 2400 ही ना, तो ये 100 कहाँ से आया? ऑफकोर्स किसी ना किसी ने तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा, किसी ना किसी ने तो दिया होगा, तो वो कौन दिया है, सी, एट द कॉस्ट ऑफ सी, मतलब जो ए को एक्स्ट्रा 100 मिल रहा है वो सी के लिए कॉस्ट है, मतलब वो सी के जेब से गया है। तो जहां पे आप ए में ₹100 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि एट द सेम टाइम आप सी में से ₹100 माइनस करो, क्योंकि क्वेश्चन ने ये जो ए को ₹100 एक्स्ट्रा दिया है ना, उसका ₹100 से अर्निंग बढ़ाई है वो एट द कॉस्ट ऑफ सी, यानी सी से छीन कर, क्योंकि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लगा हम ए को 600, बी को 800, सी को 1000 दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ए के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और सी को हम थोड़ा ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, तो सी से उसने 100 निकाल के ए को दे दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द न्यू प्रोपोर्शन, बी का कोई लेना देना नहीं, बी पहले से जितना लिया था, मीडियम खुश है। सो भाई ये नया रेशो पूछा है, तो नया रेशो क्या आ गया, 700 ए आया, 600 भूल जाओ अब 700, बी 800 एंड सी 1000 भूल जाओ अब 900 रहा, तो 7:2 है ना, दो दो जीरो शहीद, तो 7:8:9, एकदम इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। 2400 हम एबीसी में बांट रहे, इस रेशो में जो बांट कर कितना आया 600 800 1000, बाद में हम ए को ₹100 बढ़ा रहे एट द कॉस्ट ऑफ सी, बस ये लाइन समझना था, मन ही मन आंसर हो गया, मन ही मन, ये तो आपको इतना बताया है, बाकी असल में क्वेश्चन मन में करने जैसा था। 600 में 100 बढ़ गए 700 हो गए, बी का एज इट इज और सी का 1000 में से 100 कम कर दो 900, तो 700 800 900, 7:8:9, ऑप्शन ई खत्म। बहुत बेहतरीन यार, अगेन जिसका आ गया होगा हेड्स ऑफ, गुड, सही डायरेक्शन में हो, जिनका नहीं आया होगा थोड़ा और स्टडी करो यार, थोड़ा और अपने आप को डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो मेरे सारे पुराने, बेसिक अगर कच्चा है तो।
चलो थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, ये क्वेश्चन देखो 1:3:5, तीन नंबर का रेशियो दे दिया है। तो अगर पहला नंबर मैं 1x ले लूं तो दूसरा बाय डिफॉल्ट 3x हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो को मेंटेन करना है। 5x हो जाएगा तीसरा। अब बोल रहा है इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अब लार्जेस्ट कौन दिख रहा है हमें 5x, स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है 1x, तो उनका सम, इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ मिडल एंड 60, सम ऑफ मिडल, तो मिडल कौन है 3x एंड 60, और इसमें 60 एक्स्ट्रा, मतलब ये 6x इज इक्वल टू 3x+60, मतलब 3x इज इक्वल टू 60, मतलब x इज इक्वल टू 20, x कितना मिला आपको 20, सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो इन नंबर का एवरेज पूछा है। अब एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों की एडिशन अपॉन थ्री, तो तीनों की एडिशन तो पहले x के फॉर्म में भी तो ले सकते हो ना, 5 और 3 और 9, 9x, तो यही क्या हुआ 9 × 20 180, और इनका एवरेज पूछा है, तो ये 180 क्या है, तीनों का मिला के टोटल है 9x यानी। तो एवरेज कैसे निकालते हो, जितने भी वैल्यूज को आप टोटल कर रहे हो डिवाइड बाय उतनी वैल्यूज, तो डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज है 3, तो ये आ गया 60। यस डी इज द आंसर गाइस, डी इज द आंसर। तीन नंबर जिनका रेशियो 1:3:5 है, ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम है, यानी कि 1x यह दिख ही रहा है मैं आंखों से, स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट 5x, तो इनका सम ये किसके बराबर है, मिडल और 60 के सम के बराबर, तो बस उससे हमें x मिला। तो क्वेश्चन ने आपको तीनों का टोटल नहीं एवरेज पूछा था, तो एवरेज के लिए पहले टोटल निकालना ही पड़ेगा, सो टोटल आया 9x, यानी एक्चुअल में x की वैल्यू रखकर 180 डिवाइड बाय 3, तो 60 इज द एवरेज। वेरी गुड, सुपर, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो गाइस, ट्राई करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 2:1। So, भाई बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो स्कूल में 2:1 है। अब चाहे तो आप इसको 2 और 1 भी ले सकते हो, फाइनल 2x 1x भी ले सकते हो, 20 10 भी ले सकते हो, 200 100 भी ले सकते हो, लेकिन देखो मैं कितना स्मार्ट अजम्पशन अप करने वाला हूँ एज पर गिवन डेटा, और वो चीज अब आप भी बैक ऑफ द माइंड रखोगे कि जब भी इस तरह का डेटा आएगा तो आपने किस तरह से अजम्पशन को मैनिपुलेट करना है। चलो सो अभी फिलहाल तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको 2:1 दे दिया है। नाउ ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स की बात हो रही है पहले, कि भाई जितनी भी गर्ल्स है, ऑफ द गर्ल्स 3/4 आर डे स्कॉलर, मतलब देखो अब एक स्कूल है, स्कूल में गर्ल्स आते हैं बॉयज आते हैं, जो कि 2:1 के रेशियो में, अब जितनी भी गर्ल्स है उसमें से 3/4, उसका 3/4 ये डे स्कॉलर में है। मतलब देखो यार दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना, एक हॉस्टेलेट होते हैं, अब जो हॉस्टेलेट होते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनकी स्कूल और हॉस्टल आसपास में होते हैं, वॉकिंग आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट लोकलाइट होते हैं, है ना, एक तो घर होता है उनका वही लोकल में कहीं, तो है ना 5-10 किलोमीटर के रेडियस में, या फिर वो कहीं तो रूम लेके रहते हैं बट हॉस्टल में नहीं रहते, तो ऐसे क्वेश्चन ने 3/4 बोल दिया जिनको डे स्कॉलर हम बोलते हैं, जो हॉस्टल में रहते दैट आर हॉस्टलाइट, और वो छोड़कर जो भी है वो डे स्कॉलर, जिनका अपना घर हो या वो रेंट पे रह रहे हो, सो उन सारे गर्ल्स में 3/4 डे स्कॉलर है। अब यार वो अगर डे स्कॉलर यानी वो स्कूल से दूर रहती, फिर उनको हो सकता है कि उनके पास खुद की व्हीकल हो तो टेंशन नहीं, वो स्कूल आ जाएगी, अगर खुद की व्हीकल नहीं तो फिर उनको स्कूल के बस की जरूरत पड़ती है। तो आगे की बात वो कर रहा है क्वेश्चन कि उन सारे गर्ल्स में 3/4 डे स्कॉलर है, एंड 2/3 ऑफ देम, यानी कि जो डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर उसमें से 2/3 को ट्रैवल बाय स्कूल बस, उनको स्कूल बस की जरूरत पड़ती है, वो स्कूल बस से आते, यानी बचा हुआ जो है वो क्या है, उनकी खुद की व्हीकल होगी। देखो बात किन की हो रही है, बस इन 3/4 गर्ल्स की हो रही है, क्योंकि जो बच गई है, बची कितनी है 1/4, वो तो हॉस्टल है, उनको तो बस बस का लेना ही देना नहीं है। जितनी भी गर्ल्स है उसकी 3/4 ये डे स्कॉलर में रहती, डे स्कॉलर वाली है, और उसके 3/4 2/3 जो भी डे स्कॉलर वाली गर्ल्स है उसका 2/3 जो है वो ट्रैवल बाय स्कूल बस। ठीक है गाइस, अब आपको जो मैं बता रहा था कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप चाहे तो 20 और 10 लेके या 2x 1x लेके शुरू भी कर दिए होंगे, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं आगे फ्रैक्शन में जाएगी, डेसिमल में जाएगी, मैंने कहा है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ये मैं उन एग्जाम की वैरायटी ज्यादा कवर कर रहा हूँ जो कि एकदम बेसिक LOD 1, जिसको हम कैट की LOD 1 बोलते हैं, उस लेवल की होती है, CET, CMAT, MAT, NMAT, तो वह कैलकुलेटर थोड़ी होता है ना यार, तो वहाँ फ्रैक्शनल और डेसिमल में चीजें आ गई तो कैलकुलेशन और ट्रिकी होगा, तो इसको बेहतरीन कैसे करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको इस पे क्या करना है, इसको अजम्पशन देखो कैसे हो। आपको पता है 3/4 लेना है, 3/4 लेना है मतलब क्या, 4 से डिवाइड करना है, फिर वो जो भी आएंगी उनका 2/3 लेना है ना, जो भी डे स्कॉलर है
टू थर्ड ऑफ देम बोला है क्वेश्चन में, टू थर्ड ऑफ देम जो भी डे स्कॉलर आएगी उनका टू थर्ड ट्रैवल बाय बस, तो मतलब आपको 3/4 लेना है यानी 4 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसका 2/3 लेना है यानी 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है वो फैक्टर देखो आप पहले, तो यार 4 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई तो हम कर लेते हैं बट डिवाइड जब करते हो तब थोड़ा डेसिमल वाला पंगा बढ़ जाता है ना, तो क्यों ना हम ऐसी वैल्यू लें जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, 12, 24, 36, कुछ भी लो, जितनी छोटी लोगे आपका कैलकुलेशन ईजी होगा, लेकिन ऐसी लो जो 4 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे जो गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो उसने 1:2:1 बोला है, तो मैंने एज्यूम कर लेना है गर्ल्स को 12, तो बाय डिफॉल्ट बॉयज कितने हो जाएंगे 24। अगर गर्ल्स 12 है गाइस तो बॉयज 24 होगा ना, क्योंकि मुझे ये रेशियो भी तो मेंटेन करना है 2:1, तो मेरे लिए गर्ल्स होगी 12, बॉयज हो गए 24। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान, गर्ल्स है 12, अब देखो फिर से वो लाइन पढ़ते हैं, 3/4 ऑफ द गर्ल्स आर डे स्कॉलर, उसमें से 3/4 डे स्कॉलर है, तो डे स्कॉलर कितनी हुई 3/4 ऑफ 12, 3/4 ऑफ 12 तो कितना हुआ, देखो 3/4 ऑफ 12, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 9, 9 क्या हो गई डे स्कॉलर, एंड 2/3 ऑफ देम ये जो डे स्कॉलर आई है उसका 2/3, तो यार इसका 2/3 देख लो कितना हुआ, 3, 3 ने इसको डिवाइड कर दिया 3 और 3 × 2 = 6, ये है ट्रैवल बाय बस, ये बस से ट्रैवल करती है। नाउ आगे देखो, इफ 2/3 ऑफ द बॉयज, आगे बात हो रही बॉयज की, टोटल बॉयज कितना आया पक्का हमने 24 ले लिया है, उसका 2/3, यार उसका 2/3 कितना है, 3 अगर 24 को डिवाइड करेगा वो आएगा 8, 8 into 2 16, सो 2/3 ऑफ द बॉयज आर डे स्कॉलर, ये 16 वाले डे स्कॉलर है, उसमें से भी बस कितने जाती है, एंड 3/4 ऑफ देम ये जितने डे स्कॉलर है उसके 3/4 ट्रैवल बाय बस, तो 4 ने 16 को डिवाइड किया है 4 आ गया, 4 into 3 12 ट्रैवल बाय बस, खत्म दोस्तों। देखो कितना इजीली इंटीजर में काम हो गया, कोई फ्रैक्शन नहीं, और अभी चीजें भी एनालाइज बहुत फास्ट हो जाएगी, फ्रैक्शनल होता तो एनालिसिस को भी टाइम लगता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, वो बोल रहा है टोटल जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका कितना पार्ट, उसका कितना हिस्सा ये बस से जाता है। भाई टोटल स्टूडेंट कम्युनिटी कितनी है, 36 है ना, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हमारे हिसाब से, आपने कुछ लिया होगा आपके हिसाब से, आप देखो मेरे हिसाब से मैं देखूंगा, फाइनल आंसर दोनों का सेम आएगा, बट मेरे को ये थोड़ा इजी लगा क्योंकि मैंने अजम्पशन उस तरीके से किया जिसमें 3/4, 1/3, 2/3 लेना इजी हो गया। तो इस क्वेश्चन से यही सीखोगे, जब भी आपको अजम्पशन, तो यार कुछ भी ले सकते हो लेकिन हमेशा वो लो जो आपका काम आसान करे, और आपको पता है आगे 3/4 लेना है 1/3 लेना है, जब भी हमें आगे परसेंट बढ़ाने कम होते करने होते तो हम 100 लेते हैं, ये हमने परसेंटेजेस में सीखा था, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू लो जिसका 3/4, 2/5, 1/3 इजी, यानी उन सिंपल ये जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है उनका कॉमन मल्टीपल, या 4 और 3 थे कॉमन मल्टीपल 12 लिया, सो टोटल कम्युनिटी कितनी है 24, उसमें से बस से जाने वाले कितने हैं, गर्ल्स है 6, बॉयज है 12, तो कुल मिला के 18, तो यार 36 में से अगर 18 बस से ट्रैवल करते ये कितना हुआ हाफ, टोटल 36 में से अगर 18 बस से ट्रैवल करते हैं 18 out of 36 ये कितना हुआ हाफ, तो टोटल कम्युनिटी का कितना हिस्सा बस से ट्रैवल करता है हाफ, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, सिंपल है गाइस, देख लो एक बार, कहीं पर भी डाउट होगा पूछो, अदरवाइज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें डाउट जैसा कुछ नहीं था, बस ये गर्ल्स बॉयज का रेशियो दिया था, मैं चाहता तो 20:10 या 200:100 या 2x 1x ले देता था, लेकिन देखो आगे फिर ये चीजें 2/3, 3/4 ये टफ जाती थी, मैंने ऐसी चीज ले ली कि जिससे 2/3, 3/4 यानी 4 से डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबिलिटी इजी हो जाए, मैंने गर्ल्स ले लिया 12 तो बॉयज हो गए 24, तो टोटल गर्ल्स का 3/4 यानी 9 ये डे स्कॉलर है, और उन डे स्कॉलर का 2/3 यानी कि 6 ये बस से जाते हैं, बॉयज टोटल 24 उसका 2/3 यानी कि 16 डे स्कॉलर है, और इन 16 का 3/4 यानी कि 12 ये बस से जाते हैं, तो कुल मिला के 18 है बच्चे जो स्कूल से जाते हैं आउट ऑफ 36, यानी कितना हिस्सा हुआ 1/2, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट, चलो 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 दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस, तो यार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस में एक कोई तो बंदा है उसने लास्ट ईयर मैचेस, लास्ट ईयर वॉज 2:2, तो लास्ट ईयर उसका स्कोर था, सो लास्ट ईयर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का उसका रेशियो था 2:1, मतलब अगर मैं डोमेस्टिक में 20 मान लूँ तो इंटरनेशनल में कितना 10, ठीक है 10। नाउ दिस ईयर, अब बात हो रही है प्रेजेंट ईयर की,
देखो कितना इजी क्वेश्चन है, उसकी लेंथ पे मत जाओ, बहुत इजी है, प्योरली रेशो का क्वेश्चन है। दिस ईयर हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक मैचेस इंप्रूव्ड इन द रेशो 1:2, मतलब डोमेस्टिक में उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है 1:2। इसका मतलब समझो, जिसने इस लाइन को समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन हलवा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में 1:2 से इंप्रूव हुआ है, मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब अगर वो पहले 1 रन बनाना था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अगर वो पहले 1 रन बनाता था तो प्रेजेंट ईयर में वो कितना हो गया है? 2। लास्ट ईयर अगर वो 1 रन बनाता था तो अभी वो 2 रन बना रहा है। तो गाइस डोमेस्टिक में लास्ट ईयर अगर वो 20 बना रहा था तो अभी कितना बनाएगा? देखो यार डबल हो गया है, 1 का 2 तो 20 का 40। तो इस साल वो डोमेस्टिक में कितना बना रहा है आपको समझ गया? 40। तो हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक मैचेस इंप्रूव्ड इन द रेशियो 1:2 का मतलब यही हुआ कि लास्ट ईयर अगर वो 1 बनाता था तो अभी 2 बना रहा है, यानी लास्ट ईयर जितने बना रहा था उससे डबल बना रहा है, 1:2। 1 बना रहा था तो 2, तो अभी अगर वो 20 बना रहा है, लास्ट ईयर अगर 20 बना रहा था, ये हमने इस रेशियो से एज्यूम किया ना, ये रेशियो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक 20 इंटरनेशनल 10, तो 20 का भी कितना हुआ? 40। और उसी तरह देखो आगे उसने इंटरनेशनल का भी बोला है, इंटरनेशनल सो परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक का रेशियो दे दिया इंप्रूवमेंट का, एंड इंटरनेशनल वंस इन द रेशियो 2:3। सो इंटरनेशनल भी उसने 2:3 से इंप्रूव किया, मतलब पहले अगर वो 2 रन बनाता था लास्ट ईयर तक तो वो 3 बना रहा है, तो लास्ट ईयर तक अगर वो 10 बना रहा था आपके अजम्पशन के हिसाब से तो अभी कितना? तो अगेन 2x इज 30, तो x हमें कितना मिला? 15। इसका मतलब दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के अभी वो कितना रन बना रहा है? डोमेस्टिक में उसने बना दिए, पिछले साल तो कितना बना रहा था? 30 दोनों मिला के, लेकिन अभी 40 और 15, 55। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द टोटल स्कोर दिस ईयर यानी प्रेजेंट ईयर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, टोटल बोला है यानी दोनों मिला के, तो दोनों मिला के हमारे हिसाब से कितना है? 40 और 15, 55, जो एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2200 रन। तो पिछले साल का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अभी के हिसाब से 2200 है, तो हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन इंटरनेशनल मैचेस लास्ट ईयर? हाउ मेनी डिड ही स्कोर इन इंटरनेशनल? तो इंटरनेशनल देखो दोनों जगह लास्ट और प्रेजेंट, उसने कौन सा पूछा है? प्रेजेंट लास्ट ईयर। सो गाइज इंटरनेशनल मैचेस ये रही लास्ट ईयर, ये रहा 10। तो 55 अगर 2200 है एक्चुअल में, तो 10 कितना? खत्म। तो x इज इक्वल टू 22,000 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 55 इधर डिवाइड कर देगा, तो 11 से डिवाइड कर लो यार, ये हुआ 2000 अपॉन 5, 11 से डिवाइड करने के बाद तो ये आ गया 400, 400 इज द आंसर। मार दो टिक, 400 इज द आंसर। देखना गाइस कहीं पर भी डाउट है तो बिंदास पूछो। एक बार चाहे तो वापिस बताता हूँ। सो गाइस देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस वाज 2:1। सो मैं हमने क्या कर दिया लास्ट ईयर का 2:1, यानी तो डोमेस्टिक मैंने मान लिया 20 एंड इंटरनेशनल मान लिया 10। सो प्रेजेंट ईयर क्या हो रहा है? अब प्रेजेंट ईयर में सिंपल वो डेटा समझो बस, प्रेजेंट ईयर में बोल रहा है कि बंदे का, सेम बंदे का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है इन द रेशियो 1:2 इन डोमेस्टिक। सो हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक मैचेस इंप्रूव इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब बंदा पहले जो 1 रन बनाता था दो दो बनाने लग गया, तो यार पिछले साल जिसने 20 रन बनाए होंगे अभी कितना बना लेगा? तो 1 का डबल हुआ है, तो पैटर्न फॉलो द पैटर्न, यहाँ एक्स का डबल 40 हुआ, बट ये किसके लिए है? ये हुआ डोमेस्टिक के लिए, दिस इज फॉर डोमेस्टिक। उसी तरह इंटरनेशनल भी देखो, तो उसका इंटरनेशनल में भी परफॉर्मेंस बदल रहा है, बढ़ रहा है इन द रेशियो 2:3। अगेन इसको कैसे इंटरप्रिट करना है? इंटरप्रिटेशन इज वेरी मस्ट गाइस, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। सो जो बंदा 2 रन बनाता था पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो अब 3 बना रहा है, तो एक्चुअली यार हमारे अजम्पशन के हिसाब से तो 10 बनाता था ना, तो अब कितना बनाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आया 15। तो कुल मिला के अगर हम प्रेजेंट ईयर दिस ईयर की बात करें तो कितना बना रहा है टोटल रन? टोटल रन बना रहा है 55 हमारे हिसाब से, बट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल स्कोर ऑफ दिस ईयर यानी करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों को मिला के, तो हमारा देखो दोनों को मिला के 55 आया, लेकिन उसके हिसाब से वो 2200 है, तो उसका स्कोर इन इंटरनेशनल लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में इंटरनेशनल में उसने स्कोर किया था 10, हमारे हिसाब से एक्चुअल में कितना? सो गाइज इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आंसर आया 400। बस ये था ये क्वेश्चन। मैंने कहा कि आप इसको कुछ अलग ले लो, डोमेस्टिक यहाँ मैंने 20 और 10 लिया या आप 40 और 20 लो, बस मेक श्योर कि ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए।
अप टू 100 एंड 100 लो, उसके हिसाब से यहाँ इम्प्रूवमेंट निकालो कि एक में दो तो 200 का कितना, दो में तीन तो यहाँ अगर आपने 100 लिया है, 200 एंड 100 तो 100 में कितना, फिर टोटल देखो क्या आ रहा है, इसको कंपेयर करो तो पिछले साल का 100 अगर आप ले रहे हो तो कितना, सेम आंसर आएगा 400, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अजम्पशन कुछ भी लो, बस मेंटेन द रेशियो, उसने जो रेशियो दिया उस रेशियो को मेंटेन करते हो, और बस जो उसने यूनिटरी मेथड बोली उसको सही पैटर्न में अप्लाई करो, खेल खत्म। सो बस गाइस इतना ही है, अब अगली चीज बहुत इजी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा सेम वैरायटी का है, लास्ट ईयर देखो आ गई बात फिर से लास्ट ईयर, तो अब इसको फटाफट कर लो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट ईयर द प्राइजेस ऑफ टी एंड कॉफी वेयर इन द रेशियो 2:3, तो भाई साहब हम क्या ले ले, टी ले ले 20 रुपए की, तो कॉफी ले लेंगे 30 रुपए का, टी अगर 20 की तो कॉफी हुई 30 की, 2:3 बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अब बात हो रही है लास्ट ईयर और दिस ईयर में क्या चीजें बदली है, किस तरह से बदली है। सो बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर द रेशियो ऑफ टी हैज रिजन, तो भाई देखो दिस ईयर हम इसको प्रेजेंट ईयर बोल देंगे, फिर से प्रेजेंट ईयर, तो बात हो रही है टी की, द प्राइस ऑफ टी हैज राइजन इन द रेशियो 5:6, मतलब जो चाय पहले 5 रुपए की मिलती थी वो 6 की मिलने लग गई है, तो यार हमारे हिसाब से पिछले साल चाय 20 की मिलती थी, अभी कितना, तो एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 20 × 6 = 120/5, यानी 24 हो गया, ये हो गया टी के लिए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो टी की इस रेशो में बदली है 5:6, 5 की 6 हो गई, तो 20 का कितना, उसी तरह एंड दैट ऑफ कॉफी इन द रेशो 7:8, कॉफी का बदला है इन द रेशो 7:8, मतलब 7 रुपए की कॉफी अब 8 की हो गई है, तो 30 रुपए की कॉफी कितने की, 7 का 8 हो गया है, तो 30 का कितना, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो गया 320, ठीक है ना, तो 30 का कितना बराबर है ना, यस, तो 8 ये सॉरी 240, ये हो गया 240 240 अपॉन 7, तो अब ये 7 से डिविजिबल नहीं, तो उसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, तो यार इस साल की चाय हो गई है 24, जो कि 20 हुआ करती थी पिछले साल, बट ये 24 हमने कैसे निकाली, सेम उसने दिए हुए डेटा से, द प्राइजेस ऑफ टी हैज रिजन राइजन इन द रेशियो 5:6, तो 5 की 6 हो गई, तो 20 का कितना, एंड दैट ऑफ कॉफी इन द रेशियो 7:8, तो 7 की 8 हो गई है, तो जो कॉफी 30 रुपए की मिलती थी अभी वो कितनी मिल रही है, तो 30 का कितना, सो 7x = 240 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो x = 240/7। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दिस ईयर अ केजी कॉफी एंड अ केजी टी टुगेदर कॉस्ट 51, दिस ईयर यानी प्रेजेंट ईयर की एक चाय और एक कॉफी, मतलब 1 केजी चाय 1 केजी कॉफी, मान लो ये पूरा डेटा हम केजी में ले रहे हैं, ये भी 20 रुपीज लास्ट ईयर पर केजी था, तो ये भी हमारा पर केजी आया है, तो इस साल की चाय और कॉफी मिला के, यार इस साल की चाय है 24 प्लस कॉफी 240/7, ये इतना मिला के अगर 51 हुआ है, ठीक है, ये अगर 51 हुआ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच डज अ केजी कॉफी कॉस्ट, तो 240/7 एक्चुअल में कितना, बस, तो यार अब ये दोनों मिलाकर अ केजी कॉफी दिस ईयर मतलब इसकी बात हो रही है, यानी इसको अभी हो गया, इससे हमने ये डेटा बनाना था बना लिया, बाकी भूल जाओ, प्रेजेंट ईयर में 1 केजी कॉफी है 240/7 की, है ना, एंड 1 केजी चाय है 24 की, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है ₹51 टुगेदर, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच डज अ केजी कॉफी कॉस्ट। अब पिछली बार जैसे क्वेश्चन आपको बोल दिया था इंटरनेशनल स्कोर लास्ट ईयर का, तो आपने लास्ट ईयर का देखा था, इस बार लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर दिस ईयर कुछ नहीं बोला है, बस बोल दिया हाउ मच डज अ केजी कॉफी कॉस्ट, तो यार ऑफकोर्स अगर कुछ नहीं बोला है, तो अगर इन्फॉर्मेशन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसने करंट का ही पूछा है, प्रेजेंट का ही पूछा है, लास्ट का पूछना होता तो वर्ड मेंशन करता लास्ट ईयर, फ्यूचर का पूछना होता तो फ्यूचर बताता, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर हम जीते तो प्रेजेंट में ही है ना, तो प्रेजेंट का ही पूछ रहा, ठीक है, तो बस यार इनका टोटल देखो पहले तो कितना हुआ 24 + 240/7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लो तो 168 + 240/7, यानी कि ये हो गया 80408/7 = 51, 408/7 = 51, तो 240/7 कितना, ये मतलब कितना है 408, आपके सामने भी किया 24 + 240/7, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 408/7, अगर 51 है तो 240/7 कितना, तो देखो ए 77 कटा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 240 × 51/408, बस अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 17 3 17,
सेवन नहीं, 17 से, 17 3 जार 51, 17 2 जार 34, 6 8 17 4 जार, सो 24 ने इसको डिवाइड किया, ये 10 आया, 10 into 3 30 इज द आंसर गाइस, 30 इज द आंसर। थोड़ा सा बस फ्रैक्शनल डेटा आया है, बाकी टेंशन नहीं है, डिक्टो तो पिछली क्वेश्चन की तरह है, अगर आपको करके दिखाना है तो देख लो, फिर से करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। अरे ये हाँ ध्यान देना, सिंपल, लास्ट ईयर का टी और कॉफी, तो टी हमने मान लिया है 20, कॉफी हो गया 30 बाय सेटिस्फाइंग द गिवन रेशियो, ठीक है। नाउ आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस बार टी क्या हुआ, प्रेजेंट, प्रेजेंट आपको क्लियर बोल दिया है कि चाय का प्राइस 5:6 में बढ़ा, यानी 5 की चाय 6 हो गई है, तो 20 का कितना आया, ये हमारा आ गया 24 पर केजी, मान लो ये सब पर केजी, पर केजी, दिस इज ऑल्सो पर केजी, ये भी, ये भी, ठीक है। उसी तरह कॉफी, तो दिस इज वॉट अबाउट टी, कॉफी के अबाउट देखो, वही कॉफी का प्राइस भी बढ़ा है इन द रेशियो 7:8, यानी 7 रुपये का 8 रुपया हो गया है, तो 30 का कितना, जो कि कितना आया कुल मिला के 240/7। तो यार 1 kg कॉफी इतने की, 1 kg चाय इतने की, दोनों मिलाकर कितना हुआ, दोनों मिलाकर दोनों को ऐड कर लो, यानी 24 + 240/7 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 408/7, 408/7, मतलब दोनों मिला के, आज आज दोनों मिला के 1 kg चाय 1 kg कॉफी कितने का लगता है, मेरे हिसाब से 408/7 रुपीज लगता है, बट क्वेश्चन ने अ के जी कॉफी एंड अ के जी, यानी 1 kg चाय और कॉफी का मिला के 51 बोला है, तो हाउ मच डज अ कॉफी कॉस्ट, अ के जी कॉफी कॉस्ट, कुछ भी नहीं बोला, मतलब दिस ईयर का, सो दिस ईयर का कॉफी कितने का है, 240/7, तो अगर दोनों मिला के इतना एक्चुअल में 51 है, तो कॉफी सिर्फ इतनी एक्चुअल में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई उसके पहले साथ साथ कैंसिल कर दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी साथ साथ कैंसिल होगा ही, करके देख लो चाहे तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 51 into 240, 77 कैंसिल हो गया, और 408 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा इधर डिवाइड किया, सो पहले मैंने 17 3 जार, 17 2 जार, 17 4 जार, सो 20 मल्टीप्लाई किया 10 into 3, 30 इज द आंसर, 30 इज द आंसर, सुपर इजी एंड बेहतरीन क्वेश्चन। चलो ए गेव, अगला क्वेश्चन देखो, ए गेव 1/5 ऑफ मनी ही हैड टू बी, यानी ए के पास जितना भी है, मान लो लेट्स एज्यूम ए के पास एक्स, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ए के पास जितना भी है उसका 1/5 तो बी को देता है, सो मान लो ए के पास एक्स है तो बी को कितना देगा, बी को कितना देगा, 1/5 ऑफ जितना उसके पास है, यानी 1/5 ऑफ एक्स, क्योंकि उसके पास तो एक्स हम मान चुके हैं, सो ए गेव 1/5 ऑफ मनी ही हैड टू बी, तो उसने बी को दे दिया 1/5 ऑफ एक्स, यानी बी के पास इतना आ गया, एंड बी इन रिटर्न गेव 1/3 ऑफ मनी ही रिसीव फ्रॉम ए टू सी, बी भी देखो ए तो दिलदार है, उसने अपना दोस्त समझ के बी को 1/5, उसके पास जितना था उसका 1/5 दे दिया, लेकिन बी भी दिलदार है, बी बोल रहा है यार मुझे तो मिल गया, सी को क्या मिला, सी को कुछ नहीं मिला, तो वो बोल रहा है मेरे को जितना ऐसे मिला है ना उसका 1/3 मैं सी को दे देता हूँ, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, बस इस लाइन को, इस कंडीशन को समझो, ए ने 1/5 बी को दिया जितना उसके पास था उसका 1/5, एंड बी ने इन रिटर्न, अब बी के पास 1/5 ऑफ एक्स आ गया है, तो बी ने इन रिटर्न ही गेव 1/3 ऑफ मनी ही रिसीव्ड फ्रॉम ए, उसने ए से जितना रिसीव किया था, कितना रिसीव किया था ये, उसका 1/3 उसने गिव इट टू सी, तो सी को कितना मिला, 1/3 ऑफ 1/5 ऑफ एक्स, जितना बी ने ए से लिया था 1/5 ऑफ एक्स उसका 1/3, यानी कुल मिला के कितना 1/15 ऑफ एक्स, बस। अब देखो इफ सी रिसीव्ड रुपीज 20, एक्चुअल में सी को 20 रुपीज मिले गाइज, मेरे हिसाब से सी को कितना मिले 1/15 ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्चुअल में 20 है, तो इससे हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स कितना आया 300, 15 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच मनी डिड ए हैव विथ हिम इनिशियली, तो ए के पास तो एक्स था ना, यही से तो हमने शुरुआत की थी, जो एक्चुअल में कितना आया 300, सो गाइज ए इज द आंसर, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल कंडीशन बेस, ए के पास जितना भी हमने एक्स मान लिया उसका 1/5 बी को दिया, अब बी के पास 1/5 ऑफ एक्स आ गया, तो बी के पास जितना भी है 1/5 ऑफ एक्स उसका 1/3 यानी 1/15 ऑफ एक्स सी के पास है, और असल में सी को 20 रुपीज मिले, क्वेश्चन बोल रहा है, तो 1/15 ऑफ एक्स आपके हिसाब से एक्चुअल में 20, तो एक्स मिला 300, और यही पूछा था ए के पास ओरिजिनली कितना था एक्स, यानी 300, वेरी गुड गाइज, सुपर्ब, जिसका आया होगा सुपर्ब, वेल डन, कीप इट अप, पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, ये लो भाई सर, ए और बी की इनकम आपको 3:2 में दे दी है, ए और बी की इनकम 3:2 में, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपको दे दिया है इन द रेशियो 3:1 में, तो गाइज ए का इनकम मैं मान लू 3x,
एंड बी का इनकम 2x। अब ये मन ही मन मानना है, मन ही मन। अब अगर आपने यहाँ वेरिएबल एक्स एक्स यूज किया है तो एक्सपेंडिचर में कुछ और लो, वाई ले लेते हैं और बी का 1 बार। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹1500। गाइज थोड़ी देर पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि, और ये लॉजिकल है, जनरल है, कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रिलेशन क्या होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। क्या आपको ए और बी का इनकम पता है? यस। एक्सपेंडिचर पता है? यस। सेविंग पता है? यस। सेविंग तो एक्चुअल फिगर पता है, ईच सेव्स ₹1500, हर एक का सेविंग 1500 1500 है। सो व्हाट इज इज इनकम, ए का इनकम पूछा है। तो यार सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अब मैं ए के लिए भी यूज कर सकता हूँ, बी के लिए भी। ए का क्या हो जाएगा? ए का इनकम 3x माइनस ए का एक्सपेंडिचर 3y इज इक्वल टू 1500। सेविंग देखो दोनों की, ईच ऑफ देम, दोनों मिलाकर नहीं, दोनों की सेपरेट 1500 1500। तो इससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा, एक्स माइनस वाई इज 500 बराबर। उससे मुझे, अगर मुझे वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स करना है तो मैं काम कर लूँ, वाई को इधर ले लेता हूँ, वाई को इधर ले लिया मतलब प्लस हो जाएगा और 500 इधर आया मतलब माइनस हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अभी तक तो मैंने बी का इक्वेशन यूज ही नहीं किया है, ए का ही कर रहा हूँ। ए का इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। तो ए का इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए की सेविंग। 3 से डिवाइड किया और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स किया। नाउ बी देखो, बी का इनकम माइनस बी का एक्सपेंडिचर 1y बोलो या वाई इज इक्वल टू सेविंग। सेविंग कितना? 1500। अब मुझे बताओ वाई की वैल्यू यहाँ रख दू 2x माइनस। अब माइनस के बाद एक इक्वेशन आ रहा है पूरा, तो आप एक तो याद से उसका साइन लगे हाथों चेंज कर लो। माइनस के बाद जब भी इक्वेशन आता है उसके सारे साइन चेंज होते हैं, तो आप कर लो या फिर उसको ब्रैकेट दे दो, मतलब आपको याद रहेगी। तो देखो ये क्या हो गया, 2x माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया माइनस, और ये माइनस भी क्या हो गया, प्लस। तो एक्स जो प्लस था माइनस हो गया, 500 जो माइनस था प्लस हो गया, और इसी तरह गाइज आपको फाइनल आंसर मिल गया एक्स का 2x माइनस एक्स एक्स एंड 500 इधर जाके माइनस हो गया 1000, है ना। 2x माइनस एक्स एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 500 उधर जाके माइनस हुआ, तो 1500 माइनस 500 कितना हुआ, 1000। तो ये एक समय 1000 मिला है। क्वेश्चन बोल रहा है ए का इनकम, इनकम कहाँ है, यहाँ है, उसमें ए का पूछा है, यानी 3 × x, तो 3 × 1000, 3000 इज द आंसर। 3000 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस। अगर 3000 होता तो उस पर टिक करते। आपका अगर नॉन ऑफ दिस आया होगा लेकिन कुछ और आंसर आया होगा तो आप गलत हो, क्योंकि 3000 होता तो हम उस पर टिक करते, 3000 इज द राइट आंसर। और सिंपल जो कि थोड़ी देर पहले हो चुका था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। दोनों का इनकम का रेशियो दे दिया, उससे हमने इनकम मान लिया एक्स के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर दिया है तो उसके लिए अलग वेरिएबल लेना, वाई के फॉर्म में ले लिया है, तब जाके सेविंग है 1500 1500। तो ये बना ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, जिसको सिंप्लीफाई करके वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स किया। ये बी का बना, उसी में ये वैल्यू रख दी, फाइनली हमें एक्स मिला, एक्स से हमें ए का सेविंग सॉरी इनकम मिला। चलो गाइस बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, करो ये क्वेश्चन ट्राई, अटेम्प्ट। सचिन हैज 2/3 ऑफ मनी एज दैट विद कल्पेश, मतलब कल्पेश के पास जितना है उसका 2/3 सचिन के पास है, एंड कल्पेश हैज 3/5 ऑफ मनी एज दैट ऑफ विद लोकेश। और कल्पेश के पास कितना है, जितना लोकेश के पास है उसका 2/5, मतलब इन सिंपल एक दूसरे से रिलेटेड है। लोकेश के पास जितना उसका 3/5 कल्पेश के पास है, और कल्पेश के पास जितना उसका 2/3 सचिन के पास है। तो अब देखो क्वेश्चन ने बेहतरीन हिंट दे दी, मतलब हलवा क्वेश्चन है। लोकेश हैज 1200, हाउ मच डज सचिन है, बट लोकेश और सचिन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहले आप लोकेश से कल्पेश निकाल लो। कल्पेश के पास कितना है, 3/5 ऑफ लोकेश, 3/5 ऑफ लोकेश यानी 3/5 ऑफ 1200, जो कि कितना हुआ 720, है ना, 240 × 3 720। एंड अब सचिन के पास कितना है, खेल खत्म, क्वेश्चन पढ़ते ही खेल खत्म हो गया, 2/3 ऑफ कल्पेश। सो अब कल्पेश हमें मिल गया है 720, तो 3 ने इसको डिवाइड किया, तो 240 × 2 480 है भाई सचिन के पास, और सचिन का ही तो पूछा था। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन था गाइस। और भी बहुत चीजें करनी है दोस्तों, और भी बहुत टॉपिक देखने हैं, और ये मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज द एक्चुअल वैरायटी ऑफ सीईटी, सीमैट, एनमैट, एटमा, मैट, ये सारे एंट्रेंस। ये जरूर आपका एट द सेम टाइम कैट, आईआईएफटी, स्नैप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन उन सारी एग्जाम जो अगेन और क्रूशल होती है, जिनके अंडर भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है जो आपकी करियर को सेट कर सकते हैं, उन एग्जाम की डायरेक्ट वैरायटीज है।
तो और भी कुछ चीजें देखना है, और भी टॉपिक्स देखना है गाइज, लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुनो आप। तो गाइज जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, आपको और भी क्वेश्चंस देखना है, लेकिन याद रहे कि अब तक अगर आपने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइज, सो जल्द से जल्द इंस्टॉल करो, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेकर आते हैं, उसी तरह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको ये पूरी फ्री सीरीज वीडियोस की मिलती है ऑन थ्रू स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है गाइज, जहाँ पे ये वीडियोज जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी फ्री में पढ़ाता हूँ, और बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको आता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसी फीलिंग आती है, वहाँ पोल तक देते हैं, सो एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आती है। मेरे कई सारे 40-50 वीडियोज आपको पहले के वहाँ मिलेंगे, जिनको आप देख सकते हो, सिर्फ ये कोड अप्लाई कर देना VNT10, तो मेरे सारे वीडियोज अनलॉक हो जाएंगे। यस गाइस, तो आप वो देख सकते हो और बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, फिर वहाँ जैसे भी मेरे स्केड्यूल बनते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहूंगा। आपने सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख रही होगी, तो सबसे पहले आप पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं किया होगा अब तक तो, और मेरे प्रोफाइल पे फॉलो बटन दबा दो। मतलब क्या होगा, जब भी मैं स्केड्यूल बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा ही। मैं टेलीग्राम पे तो डालता ही हूँ अपना जो भी स्केड्यूल है, लेकिन आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटो नोटिफिकेशन, सो आपको समझ जाएगा कब कौन सा वीडियोज है। मैं क्विजेस लेता हूँ, बेहतरीन मजा आता है गाइस, सो यस कम ऑन। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन, यस ये हमारा ये सब्सक्रिप्शन है गाइस, अगर आपको हमसे सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो ज्वाइन और प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यूट्यूब पे चल रहा है, स्पेशल क्लास में चल रहा है, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस एकदम फिक्स पैटर्न से जाना है आपको, बेहतरीन पैटर्न से, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर का एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट प्लानर, वीडियो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस सब मिलेगा। मोर देन 20 एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने अगर मेरी बैच ज्वाइन की तो आप सिर्फ मेरी बैच, आप यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस, जिस एडुकेटर का जो चीज़ अच्छा लग रहा है सब कर लो गाइस, है ना। सो टैलेंट से भरा हुआ है हमारा प्लेटफॉर्म, आप बस आओ और जिनसे पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कुछ प्लान्स है गाइस, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इसके अलावा 12 मंथ भी है, ले सकते हो आप। और ये रही उसकी फीस विद पी प्रॉपर EMI सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे प्लस आपने देखा वो सारे बेनिफिट प्लस के आइकॉनिक में है ही, बट उसके अलावा स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक डेडिकेटेड टीम फॉर योर डाउट क्लियरेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1:1 लाइव मेंटरिंग। मतलब एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा, जो उसका पूरा स्ट्रेटेजीज, टेस्ट प्लानिंग, एनालिसिस, हर चीज स्केड्यूल करेगा, जो कि एक अपने लेवल का, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं गाइस पास्ट में, तो आप अगर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने करियर पे करना चाहते हो, तो यू कैन कंसिडर आइकॉनिक ऑल्सो। ये रहे उसके कुछ फीस स्ट्रक्चर आइकॉनिक के, जिसमें EMI भी है, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर 24, 12 एंड 6 मंथ, जिसमें EMI भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें वो सारे बेनिफिट जो प्लस के वो तो है ही, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपसे कहा वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी फुल एक एनिमेटेड कलर्ड फॉर्म में, जो कि पढ़ने में भी मजा है, जो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। बट दोस्तों आपने जितनी भी प्लस या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर देखी है, इसमें यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10। इस कोड को दिमाग में छाप दो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको आज लेना है, कल लेना है, आगे फ्यूचर में 4 दिन बाद, 8 दिन बाद लेना है, यू कैन यूज दिस कोड, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो गाइज, और जैसे मैंने कहा, यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस, मेरी अपनी प्लस बैचेस चल रही है, बाकी एडुकेटर की भी चल रही है, आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का ये रहा तरीका, आप प्रॉप वेबसाइट या हमारे ऐप के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको बस एक प्रॉपर अपना गोल, एग्जाम गोल टारगेट सिलेक्ट करना है और प्लान सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारी कुछ ऑनगोइंग बैचेस है, ये अपकमिंग बैचेस है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे मैंने कहा। सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस एट द सेम टाइम, आप मेरी बैच चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इनके साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके, यस जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, अपने दोस्तों का फ़ायदा करो, भला करो यार, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगी फील फ्री टू आस्क, और उसके लिए अगेन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। आपको मेरी चैनल लिंक, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल जिस पर आपको फॉलो बटन प्रेस करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशल क्लास, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल लिंक भी, और वो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है वो लिंक भी मिल जाएगा गाइस। जस्ट कीप इन माइंड योर कोड VNT10 फॉर फ्लैट पर 10% डिस्काउंट, ठीक है गाइस। बाकी और कोई भी क्वेरी है आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो,
टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय.